हाय लवली व्यूअर्स, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के जो एलिमेंट्स होते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ड्रामा के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटली ड्रामा के 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर एक होता है आपका एक्सपोजिशन। नंबर टू होता है कॉम्प्लिकेशन। और नंबर थ्री होता है आपका क्लाइमैक्स। फोर है डिनाउंसमेंट। और नंबर फाइव है आपका कैटास्ट्रोफ। और आज हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि क्लाइमैक्स क्या होता है, कैटास्ट्रोफ क्या होता है, या एक्सपोजिशन कौन सा एलिमेंट है। तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा, वो है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन वो परिस्थिति होती है जब हमारे प्ले की शुरुआत होती है, और प्ले के शुरुआत में हमें वो हिंट मिलता है कि उससे हमारे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट होने लगती है कि आगे क्या होने वाला है। यानी ये इसका एक्सपोजिशन नाटक का की पॉइंट होता है, जो बिल्कुल शुरुआत में होता है। और ये हमें प्ले के बारे में क्लू प्रदान करता है, उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में क्लू प्रदान करता है जो आगे घटित होने वाली होती है। और इस मामले में हमारे जो महान प्ले राइटर शेक्सपियर हैं, वो इसमें अग्रणी रहे हैं। उनके जो प्लेज हैं, आप उनमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो उनके नाटक की जो एक्सपोजिशन है, जैसा कि आपने मैकबेथ में देखा है, मैकबेथ पढ़ा होगा आपने, जिसमें जो 4 विचेज आती हैं उसको प्रपोज कर, 3 विचेज जो आती हैं उसको आगे मोटिवेट करती हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि आखिर इस प्ले में कुछ होने वाला है। वहीं से हमारे दिमाग में क्लू बनने लगते हैं। तो ये होता है एक्सपोजिशन। अब नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन वो परिस्थितियाँ होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब हमारा जो एक्सपोजिशन है, बड़े ही कुशल तरीके से स्टोरी को बढ़ाते हुए एक्शंस की तरफ ले जाता है, जहाँ क्राइसिस, विरोधाभास पैदा होते हैं। और क्राइसिस ये हीरो और विलेन के बीच भी हो सकता है, या ये क्राइसिस हीरो की जो परिस्थितियाँ हैं, भाग्य भी हो सकता है, डेस्टिनी भी इसमें एक रोल प्ले कर सकती है, और जो उसका एनवायरनमेंट है वो भी इसमें काफ़ी कुछ रोल प्ले करता है, वो भी कभी कभी क्राइसिस पैदा करता है। तो ये होता है कॉम्प्लिकेशन। अब आइए चलते हैं थर्ड अपना जो एलिमेंट है, क्लाइमैक्स। हमारा तीसरा एलिमेंट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वो पॉइंट होता है जहाँ से स्टोरी एक टर्न लेती है, जहाँ से स्टोरी में एक मोड़ आता है, और ये डिटरमाइन उसके जो एक्शन को डिटरमाइन करता है कि आगे क्या एक्शन होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है नंबर 4, डिनाउंसमेंट। नंबर 4 है हमारा डिनाउंसमेंट। जो नंबर 4 है डिनाउंसमेंट है, इट मार्क्स द डाउन टर्न ऑफ द एक्शन। ये डाउन एक्शन का डाउन टर्न दिखाता है, और जो हमारा प्ले है उसकी एंडिंग रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ वो होता है, ये एंड ऑफ द प्ले माना जाता है, कैटास्ट्रोफ प्ले का एंड माना जाता है, जिसमें अनिश्चितता तथा सस्पेंस वो समाप्त हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और कॉमेडी है वो हैप्पीनेस भी प्रेजेंट करती है, और ट्रेजेडी दुख और
आंसू और विलाप लेकर आती है। इट कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ द प्ले, जो हमारा कैटास्ट्रोफ है प्ले की साइकिल को कंप्लीट करता है, जो एक्सपोजिशन से शुरू होता है और कैटास्ट्रोफ पर समाप्त होता है। इस तरह हमने अब तक पढ़े थे। हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ड्रामा के। नंबर 1 है आपका एक्सपोजिशन, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम, एक्सपोजिशन। नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन। नंबर 3 क्लाइमैक्स। नंबर 4 डिनाउंसमेंट। एंड नंबर 5 और लास्ट है हमारा कैटास्ट्रोफ। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको एलिमेंट्स समझ आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।